अवतार सिंह पास, एक ऐसा कवि जिसकी रचना पढ़े बिना किसी पाठक की जिंदगी पूरी नहीं हो सकती। पास की कविता सत्ता से टकराती है और पढ़ने वाले की सोच को चुनौती देती है। अपने बेबाक लेखन के कारण ही महज 19 वर्ष की उम्र में जेल और 38 वर्ष की उम्र में ही खालिस्तानी अलगाववादियों के द्वारा मार दिए गए। इस कवि की जिंदगी भले ही लंबी न रह पाई, परंतु इनकी रचनाओं ने हमारे आपके और हिंदुस्तान के तमाम लोगों की समस्याओं को प्रतिबिंबित किया है। आइए आज देखते हैं इनकी एक प्रसिद्ध कविता, मेहनत की लूट। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी से चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू किलो में पढ़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींच कर बस निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का ना होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौट कर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीजों से उठती अंधेपन की भाव पर लुढ़क जाती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं करता है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसी पड़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडों की तरह करता है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के अरमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज टूट जाए और जिसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती,